हेलो, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। टुडे आई ब्रिंग अदर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर 10th क्लास स्टूडेंट फ्रॉम केमिस्ट्री पोर्शन। आई एम डिस्कसिंग सेकेंड चैप्टर। अर्लियर आई मेड 3 वीडियोज एंड द लिंक ऑफ दीज दोज वीडियोज विच आई हैव मेड अर्लियर, you will get a link of that videos in this video description. So I don't want to waste the time. Before going to start video, I would like to tell you that you have to subscribe my channel The Quantum Classes, like my videos, press bell icon, and I hope that you will share this video with your friends. These friends contact with the other kind of students. Now I start from fourth video from 62 question. Like देखते हैं कितने question हम इसमें कर रहे हैं। तो NaOH is obtained by electrolysis of NaOH, किस पदार्थ की electrolysis से बनता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक्वस Na2CO3, एक्वस NaHCO3। देखो ये तो आपके सॉल्ट हैं Na2CO3 और ये आपके NaHCO3, तो ये तो आपके ऑप्शन से कैंसिल हो गए, कैंसिल करो, केवल ये बचा और ये बता। अगर हम एक्वस लेंगे तो NaOH बनेगा, और मोल्टा लेंगे तो Na अलग सोडियम मेटल बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना, एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 अगर देखें तो केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, वॉट, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो 63 का आंसर है आपका बी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, उसमें है द रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम इज, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल का रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है, 1:1, 1:2, 3:2। तो फिर कितना रेशियो बचा बताओ, कितना बचा, 1:4, 1:4, 1:4, 1:4, हाँ 64। दिस वन गोज़ हियर 6:2, 6:1:3, it should be 1:3। लेट्स मी सी वाट इज हैपनिंग, 1:4 होगा, ठीक करें, अरे 1:4। बेकिंग पाउडर बात करते हैं, बेकिंग पाउडर की थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग। तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जीरा, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, सही बात है, यही होगा। क्योंकि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेंगे और किसी भी एडिबल पदार्थ में डाल देंगे, उसे गर्म करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा वो पदार्थ, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे ये इसमें नहीं होगा। फिर है गैस्ट्रिक जूस कंटेंस HCl विच इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ गैस्ट्रिक, मतलब ये ऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड होना चाहिए, और जिसे हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इट प्रोड्यूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिटिक एसिड से प्रोड्यूस होता है तो क्या बनता है, तो हम रिएक्शन कर लें, है ना, तो ये बनेगा, देखो हमें करने दो, 3C OH
प्लस एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, तो टू यहाँ पे करना पड़ेगा, बनेगा सी एच थ्री सी डबल ओ का होल ट्वाइस एम जी, मैग्नीशियम एसीटेट बनेगा। अब देखो मैग्नीशियम एसीटेट तो हमने बना लिया, वाटर कितना बनेगा टू एच टू ओ, सही है, तो बनेगा मैग्नीशियम एसीटेट। देख लेते हैं क्या बना रहा है, सॉफ्ट ऑर्गेनिक एसिड 66 में, सॉफ्ट ऑर्गेनिक एसिड या स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड, व्हाट ठीक है जी है क्वेश्चन नंबर 67, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अरे भाई न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बना, अच्छा ठीक है न्यूट्रल सॉल्ट इसलिए बन रहा है कि बी को तो बेस है, बी की एसिड है, चलो ठीक है बी के एसिड और बी को बेस है। 68 देखते हैं, 68 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना विल अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। तो ये देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड टू वाटर, एसिड को वाटर में डाल हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। देखो एसिड को देखो तो मतलब डाइल्यूशन होगा, पहला काम तो डाइल्यूशन होगा, कर लिया डाइल्यूशन, और आयनाइजेशन होगा, फर्स्ट और फोर्थ होगा, फर्स्ट और फोर्थ ही होना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ होगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रायन इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के वच एन ए वच नन ऑफ दीज, ब्राइन हाँ ब्राइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता है, ब्राइन किस में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन के लिए। 70 में आते हैं, व्हेन बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो बेस और एसिड हो गया, क्या हो गया एसिड, तो आपका बनेगा सॉल्ट, बनेगा क्या बनेगा सॉल्ट, तो इट न्यूट्रलाइज ईच अदर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय एसिड्स ए एसिड्स एंड बेसिस, बी बेसिस एंड सॉल्ट्स, सी वाटर एंड डी मर्करी, किसकी वजह से होगा, एसिड्स एंड बेसिस की वजह से, कोरोसिव नेचर और किसी की वजह से नहीं होता, कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब स्किन खराब हो जाती है, जल जाती है, फफोले पड़ जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो 72 में देखते हैं, द एसिड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव इज, द एसिड यूज्ड फॉर अब द एसिड यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव इज, ठीक है तो ये देखते हैं कि किसमें ऐसा होगा, नंबर ए आपका नाइट्रिक एसिड, ए बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ए यूज होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोग्लिसरीन बनाई जाती है, फिर विस्फोटक बनाया जाता है TNT। फिर हम बात करते हैं, विच एसिड इज फाउंड इन बी स्टिंग, बी स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और एक नेटल लीफ होती है उसमें भी पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड आपका मिनरल एसिड और सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, रबिंग ऑफ विच डज गिव रिलीफ फ्रॉम पेन इन द केस ऑफ बीस्ट, हाँ ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, टूथपेस्ट, डी एल्कलाई, तो 74 में क्या था आपका, टूथपेस्ट के अंदर होगा जिससे आप दांत के अंदर थोड़ा बहुत
रिलीज वो मतलब एसिडिटी से रिलीफ करेगा, या बीस से काट ले डंक मार देती है, एसिड इंजेक्ट कर देती है। 75 देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है 75 में। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, सही है। एनऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, ये भी सही है। बी स्ट्रिंग कंटेन फॉर्मिंग एसिड, सही है। तो ऑल ऑफ अबव डी हो जाएगा। 76 को चेक करते हैं। 76 में आपका हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। 76 और 77 में व्हाट हैपेंस व्हेन एन अल्कलाई इज मिक्स्ड विद वाटर, व्हाट हैपेंस व्हेन एन अल्कलाई इज मिक्स्ड विद वाटर। हीट इज इवॉल्व्ड। What happens when acid is mixed with water? Heat evolve, हाँ सही है। 77 में देखते हैं, देखो मैं स्लोली इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी तो दिमाग लगाते जाओ, आप दिमाग नहीं लगाओ सब बेकार है मेहनत। 80 तक ही करूँगा मैं। 77 को क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी पेन लेके बैठो मेरा वीडियो देखने के लिए। वो कह रहे हैं ये हो गया। 78 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाई, कौन सा बेसिक है, ठीक है, बेसिक कौन सा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाई का मतलब ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अल्कलाई, 79 में भी अल्कलाई ढूंढना है। वाटर सॉल्युबल बेस को ही कहते हैं, वही सेंटेंस पूछ लिया है। 80 को करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन होती है, सॉल्ट बनता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, तो 20-20 क्वेश्चन का ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा क्योंकि दिक्कत होगी फिर बच्चों को समझने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और बाकी के जितने वीडियो थे उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी का आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।